सभी को प्रणाम राधे राधे जय माता दी तो सुबह का टाइम और आज है ना रात को मैंने बताया ही था कि गेस्ट आ गए गे थे तो फिर वो थोड़े चावल बच गए थे और है ना कल दूध बचा रहा था तो बस समझ नहीं आ रहा था ऐसा लग रहा था ना कि दही भी ना जमाऊँ तो आज है ना बस निकाल लिया है पनीर तो इसका देखेंगे शाम वाम को तो पनीर निकालने के लिए ना आप दूध है ना अच्छा मलाई ही तो वो रख लिया था और है ना थोड़ा थोड़ा सा ना जैसे जैसे उबाल आता रहे थोड़ा थोड़ा सा करके ना नींबू का रस डाल दे अरे देखिए कितना बढ़िया सा एकदम बिल्कुल ठीक ठीक पनीर हमारा बनकर हुआ है तैयार अभी तो इसको रख देंगे आने के बाद देखूंगी सुबह के टाइम तो आजकल इतनी भागा दौड़ी हो रही है ना सच में ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा घर का काम कर करके जाओ फिर आते करो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रहा है डे अब पता नहीं कितने दिन तक है आज पूछ के आऊँगी कब तक करना है ये और अभी एक कुछ घर में बात भी चल रही है मुझे कहीं जाना भी है दस बारह दिन के लिए तो उसकी भी प्लस मुझे तैयारी करनी है अब देखते हैं किस तरीके से होगा पर बहुत ही मज़ा आने वाले हैं आगे ब्लॉग्स में कहीं जाऊँगी मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे एकदम अचानक से मेरा बनेगा वहाँ जाने का और बस कहीं दर्शन करने जाऊंगी और मुझे नहीं लगता था मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी दूर जा पाऊंगी मैं आगे बताऊंगी मैं कहाँ जाऊंगी वैसे मन तो नहीं कर रहा सरप्राइज रखने का पर देखिए जैसे जैसे नज़दीक आएगा ना तब ज़रूर बताऊंगी खैर अभी तो टाइम है पर तैयारी मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी दूर है ना कि आराम से दस बारह दिन तो मुझे लगने लगेंगे क्योंकि लंबा सफ़र है दो रातों का सफ़र है तो वो आगे बताऊंगी बाकी यहाँ पर ना सुबह मैंने बस ये दूध का पनीर निकाल लिया था थोड़े रात के चावल बचे थे वो फ्राई कर लिए थे और यहाँ पर बनाई थी भोग वगैरह भी लगा दिया था बस सुबह के टाइम में ना इतनी जल्दी जल्दी करके जाना पड़ता है यहाँ बेटे का टिफन लगा रही हूँ पराठे सेक लिए हैं भिंडी बना ली थोड़े चावल फ्राई कर लिए हैं आज का यही रहेगा क्योंकि रात है ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था पर ये काम तो करने ही करने हैं चाहे लेट हो जाए चाहे कितनी थकान हो जाए ये तो ना एक औरत की ज़िंदगी का हिस्सा ही है रात को कितना ही थकान हो के सो जाओ फिर सुबह दोबारा अपने उसी उस, उस पर लग जाओ तो यहाँ पर उसका टिफ़न पैक कर रही हूँ हस्बैंड जी खा के जाएंगे और मुझे पता भी नहीं खा के जाएंगे आके खाएंगे क्योंकि वहाँ हमें आराम से ना एक घंटा लग जाता है तो यहाँ पर बस मैं तो कुछ नहीं खा के जाती हूँ मेरा ना एकदम इतनी गर्मी में ना एक खा के बना के ये नहीं मन करता मेरे एकदम इतना सारा काम करके ना एक बहुत ही मतलब एक पैर इधर एक पैर इधर मतलब सुबह का टाइम मतलब कह लो कि है ना मैं और ये रात में जो फ्राई करी थी ना मिर्ची उससे काफ़ी अच्छी लगी थी आप भी एक बार इस तरीके से ना वाली मिर्ची बनाकर देखिएगा तो अभी हवा में रख दूँगी और मैंने ना फॉइल में डायरेक्ट पराठे मैंने नहीं रखे हैं मैंने ना उसके अंदर टिशू लगा दिया था कुछ और मंगाऊंगी पराठे वगैरह के लिए क्यों तो उसके लिए ना मुझे फॉल में डायरेक्ट है ना मैं नहीं रखती हूँ पराठे तो बीच में टिश्यू लगा दें कोई दिक्कत नहीं है अभी तो मैं खाली मेज़ पे ही रख दूँगी थोड़ी हवा लगने के लिए एकदम गरम गरम रहेगा ना तो बंद नहीं करेंगे और यहाँ पर उसके लिए ले आई हूँ दो केले उसे धो के रख दूँगी और बस बच्चों का क्या है ना चार पाँच जने बच्चे बैठते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना अच्छा लगता है कि भाई अच्छी तरीके से उसे लगा लगू के दे दो तो बस यहाँ पर मैं जो अपने भी पराठे हैं ना मैं सेक कर ही जा रही हूँ आने के बाद आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है आराम करूँगी मतलब कह लो कि जा रही हूँ मैं एक्सरसाइज के लिए या फिर फिजियोथेरेपी के लिए पर थकान मेरी तो ऐसी हो जाती है ना मैंने कहा इससे बड़े तो मैं घर में ही सही थी इससे तो मेरे और ज़्यादा हो रही है और आने के बाद है ना साढ़े बारह बज जाते हैं दोपहर के और मेरा है ना आने के बाद जैसे कि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया मेरा आने के बाद है ना चाहे मुझे कहीं आधे घंटे के लिए जाना हो चाहे कहीं मुझे एक घंटे के लिए जाना मेरे से आने के बाद रसोई में बिल्कुल कुछ काम नहीं होता और बनाने वाला तो सिस्टम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इससे है इससे बढ़िया तो भाई अपना बना बनू के चले जाओ और एक आधे घंटे में तो बिल्कुल ठंडे होने वाले नहीं है क्योंकि गर्म ही गर्म है तो यहाँ पर बस पराठे अपने और हस्बैंड जी के बना लेते बेटे का टिफ़िन पैक कर लेता उसको देते हुए जाएंगे इतने में मतलब क्लिनिक पे जाऊँगी फिजियोथेरेपी कराऊँगी इतने में तो पाँच मिनट में वो दी आएँगी क्योंकि बीच में ही है तो यहाँ पर बस गाय की निकाल दी थी मैंने ये भी करके जाऊँगी ए टू जेड करके जाने पड़ते हैं और बताया ना मैंने आने के बाद कपड़े वगैरह हो जाते हैं बिल्कुल मन नहीं करता और कुछ चीज़ें तो मैं देख ही नहीं पा रही बस इन्हीं इन झमेलोगे चक्कर में तो बस यहाँ पे एक टिशू ऊपर रख दिया है जिससे ना ये कैसरोल के ढक्कन पे ना पानी पानी सा हो जाता है तो वो नहीं होने का होगा भी तो टिशू से पहुँच के फेंक दूँगी और पराठे हमारे यूँ के ही मुलायम रहेंगे अच्छे घी में सीख रहे हैं ना अभी तो ये बाकी का मैंने यही रख दिया है अभी तो ऐसे ही छोड़ छाड़ के जाऊँगी आने के बाद देखूँगी और यहाँ पर अभी ना पनीर भी अभी निकाल के जाऊँगी क्योंकि ज़्यादा देर नहीं पड़ा रहेगा वो पनीर का जो पानी है इसको है ना बहुत ही अच्छा रहता है पनीर का पानी आप है ना आटा भी बांध सकते हैं मतलब बहुत ही अच्छा रहता है पर आज हम पिलाएंगे अपने टाइगर को मतलब अपने डोगी को पिला देंगे पूरा कैल्शियम से भरपूर होता है पानी तो मेरे हस्बैंड जी कह रहे थे कि तुम पी लो मैंने कहा नहीं दवाई खा रही हूँ इसका कैल्शियम पूरा हो जाएगा आज आप उसे पिलाया है तो वो उसको ने तो फटाफट फटाफट ना सारा पी लिया बड़ा टेस्टी लगा होगा उसे भाई और यहाँ पर ये देखिए बस ये मैंने निकाल लिया इस तरीके से स्टेनर में हो आपके पास छल हो या फिर आप कपड़े में निकाल लें पर मुझे तो इस तरीके से बहुत ईजी लगता है मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ ये देखिए पूरा भर गया है वो और ये इस तरीके से बस पलट पलट के निकालते ना बिल्कुल नीचे कुछ नहीं आ रहा ये भिगोनी में डाल दूंगी और उसको भिजवा दूँगी तो यहाँ पर भी फटाफट से बस ये काम करके इन्हें ढक ढुका के अभी तो जाऊँगी आने के बाद देखूंगी इसका क्या होगा अभी तो निकलेगा ही पानी और इसको किसी चीज़ के ऊपर रख दूंगी ना तो इसमें से रिस्ता रहेगा पानी और जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पनीर का फटावा दूध वगैरह जो भी बोले हैं वो होगा ना तो वो निकल जाएगा तो जी यहाँ पर बस फटाफट फटाफट से काम ही करना पड़ रहा है क्योंकि ग्यारह सवा ग्यारह पर मुझे जाना ही होता है और इस टाइम ना साढ़े दस बज चुके हैं और मैं पसीनों में इतनी लतपत हो रही हूँ ना बहुत ही बहुत ही ज़्यादा है ना बहुत ही मतलब पजल दिन हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा और मैं अब बस बंद करने वाली हो रही हूँ बहुत हो गया थकान अलग हो गई मेरे तो जी बस यहाँ पर ये पनीर भी मैंने कर दिया है और यहाँ पर इसके केले धो के उसके रख दूँगी लेके चलेंगे टिफन इतने में तैयार होंगी इतने दूँगी हस्बैंड जी को खाना इतने वो खा लेंगे तो मेरी तो पूरी भागा दौड़ी और, और मैं सिर्फ ये खा के जाऊँगी एक आंवला और कुछ नहीं आने के बाद ही खाऊँगी क्यों एकदम खा के ना मेरे से तो जाया नहीं जाता तो यहाँ पर ये छोड़ दिया मैंने कटोरी के ऊपर लगा कर, और इसको देखिए निकल रहा है ना इसमें थोड़ा थोड़ा सा तो ऐसे ही निकलता रहेगा आने के बाद इसको देखूंगी अभी फिलहाल इसको ढक देंगे खाऊंगी अपना एक आंवला तब जाऊंगी तो जी बस मिलते हैं थोड़ी देर में तो चलिए ऐसे ही बने रहिएगा ब्लॉग्स में तो बस यहाँ पर उसका भी टिफ़न लगा दिया है देखिए एक लड्डू रख दिया है टिश्यू रख दिया है अभी ठंडा हो चुका है तो इनको पैक कर दूंगी मैं दो केले हैं उधर भिंडी है और उसके एक छोटा सा है उसके अंदर रख दूँगी बैग क्या वो जो बैंगल्स वगैरह के लेके नहीं आते हम लोग चूड़ियाँ वगैरह डाल के वो कपड़े के थैले टाइप होते हैं तो उसमें रख दूँगी बाकी सोच रही हूँ आजकल है टिफ़न चल रहे हैं बच्चों के बहुत ही अच्छे अच्छे चल रहे हैं वो सोच रही हूँ लेने की उसमें ना पानी वगैरह भी लीकेज नहीं होता तो देखते हैं काफ़ी कॉस्टली तो आता है पर यह है अच्छी चीज रहती है वो कांच का होता है पता नहीं किस चीज़ का तो मुझे पता नहीं मैंने भी ब्लॉग्स में ही देखे हैं कि भाई बहुत अच्छी चीज़ होती है तो देखते हैं मंगाती हूँ ठीक है जी बस आ गई थी ये शाम का टाइम है शाम को आज सुबह ना सुबह ही बात हो गई थी मतलब शाम की प्लानिंग सुबह करके रखनी पड़ती है सुबह की प्लानिंग रात को करके रखनी पड़ती है इस तरीके का हम हाउस वाइफ का तो जी बहुत ही ब, हम बड़े टंटे हुए हैं जिंदगी के मतलब समझ ही नहीं आता कभी तो क्या ही बनाओ क्या नहीं बनाओ तो सुबह हैवी हो गया था पराठे भी रखे थे इसमें और भिंडी भी थोड़ी सी रखी थी तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं बनाती ये मेरे पास आज मैं बनाऊंगी दलिया और दलिया भी मेरे पास पैकेट वाला है पतंजलि का तो पहले भी मैं कई बार बना चुकी हूँ तो मैंने सोचा भाई बना दी तो एक बार आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ बहुत ही अच्छा बनता है बहुत ही टेस्टी दलिया बनता है और जो पनीर हुआ था वो मैंने कपड़े में बांध कर है ना वो रख दिया था फ्रिज में अच्छा खासा बिल्कुल गोल चिक्की टाइप बन गया था और उसका कल सुबह कुछ देखेंगे अभी तो सुबह कुछ देखेंगे वो तो रात को चलता रहेगा क्या देखेंगे क्या बनाएंगे उसका तो पहले फाइनल करके छोड़ना पड़ेगा कि भाई ये बनाएंगे क्योंकि सुबह उठ के ना फिर वो बैठ के सोचना पड़ता है ना वो बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है तो बस यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया स्टील वाला ही चढ़ा दिया है कि थोड़ी देर तक भी रहेगी ना इसमें दलिया तो कोई दिक्कत नहीं होने की ये है पतंजलि का पुष्टा आहार दलिया इसमें ना दाल दलिया और वो बोलते ना कौन सी वो एक एक दो चीज़ें और होती हैं इसमें अभी मुझे बाजरा हाँ जी बाजरा तो बहुत ही अच्छा बनता है मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुकी कर चुकी हूँ और बस मेरी क्वांटिटी रहेगी ये एक कटोरी इसमें हम तीनों जनों का बहुत हो जाएगा मतलब बहुत ही अच्छा बन जाएगा इससे ज़्यादा ना लें आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लें मेम्बर की बाकी हम तीन जने हैं तो हमारा ये बड़ी एक बड़ी कटोरी बहुत है और ये मेरा बच भी गया ये एक बार और आराम से बन जाएगा जब हम चारों होंगे तो आपकी बार में बनाऊंगी से प्याज वगैरह डाल के जब प्याज चालू हो जाएगी बहुत ही टेस्टी लगता है सब्जियां वगैरह डाल के तो आज तो जल्दबाजी में ऐसे ही छोंक दिया है पर ये ऐसे वाला भी ना बहुत ही टेस्टी लगता है प्लेन छोंकना तो वैसे तो इसमें जो वो बता रखे हैं कि भाई डाल के और आप ऐसे डाल डूल दें मतलब पानी डाल के बना लें तो पर मैंने थोड़ा सा इसको ना तेल जीरे हींग में ना हल्का सा पहले इसे थोड़ा सा चला लिया जिससे इसका ना थोड़ा रंग है ना सुनहरा सा हो जाए बाकी इसके बनाने की विधि यही है पर मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा सिका हो ना तेल में तो ये सीख सीखने के लिए रख दिया तो इसे सीखते सीखते पाँच मिनट हो गए एक हरी मिर्च डाल दिए और ये नमक और इसमें जो हमारे मसाले हैं वो डाल दें बस सौंफ धनिया है लाल मिर्ची है हल्दी पाउडर है और बस फिर थोड़ा सा इसके मसाले चला के और इसमें हम डालेंगे पानी और पानी क्या करना है हमें इससे ना बहुत सारा लेना है मतलब चौगुना पानी ही लेना है जैसे एक कटोरी मैंने इसमें ये दलिया लिया था तो जी मैं इसमें डालूँगी चार कटोरी के लगभग पानी तभी ये अच्छा लगेगा एकदम पतला पतला हमें तो ना बिल्कुल गाढ़ा वाला पसंद ही नहीं है बिल्कुल पतला पतला जैसा खिचड़ी जैसा होता है ना वैसा पसंद है तो बस ये है इसकी बनाने की विधि और सच में ही बहुत ही अच्छा लगता है एकदम झटपट कुछ ना सामान काम मतलब कुछ समझ में ना आना तो यही बना लें और ये हफ्ते में हम एक दिन दो दिन तो हम इस तरीके का शाम को रखते हैं बहुत ही सही रहता है हर समय ना रोटी रोटी भी अच्छी नहीं होती खानी अन्न अन्न तो यहाँ पर भी तीन ही कटोरी गए तो भी एक कटोरी और डालूँगी चार कटोरी मैं इसमें पानी डालूंगी एक कटोरी दलिया तो चार कटोरी इसमें इसी के मेज़रमेंट का पानी डाल दूँगी तो जी हम हफ़्ते में एक बार हफ्ते में एक नहीं हम तो दो तीन बार तो देखिए ऐसा रखते हैं कभी शाम को हमारी खिचड़ी बनेगी कभी शाम को तहारी बनेगी कभी दलिया बनेगा तो कभी जवे बनेंगे तो यहाँ पर चार गिलास हो वो चार कटोरियाँ हो गई मुझे लग रहा है मैंने साढ़े चार ही डाले पांच होंगे तो पांच भी चलेगा और सच में ही इतनी पतली पतली और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है तो यहाँ पर दो तीन रिजल्ट के बाद आराम से बिल्कुल स्लिम आँच पे इसकी दो तीन रिजल आनी दें तेज आँच पर तो विजल नहीं दो सीमाच में दो तीन विजल तो यहाँ पर बस तैयार हो जाएगी अगर आप प्याज खाते हैं तो ऊपर से कच्ची प्याज डाल लें घी डाल के बस हमारी तैयार है टेस्टी सी दलिए वाली खिचड़ी यहाँ डाल दी है मैंने घी और ये देखिए कितनी टेस्टी बनी है तो ब्लॉग का भी करूँगी यही पैन मिलेंगे में। तब तक के लिए सभी को प्रणाम राधे राधे